नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया और आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। बहुत स्वागत है आपका पूछता है उत्तराखंड में। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के बाद देश भर में सियासी बवाल छिड़ गया। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी थी, जिसके बाद देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। अगर बात देवभूमि की करें तो राजधानी देहरादून में बजरंग दल ने इसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव कर दिया। पुलिस के एसले हॉल चौक पर रोकने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गौमूत्र छिड़का। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। वहीं कांग्रेस ने इसके जवाब में पूरे प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ किया है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग देने की कोशिश कर रही है। इस पूरे मामले पर लगातार बवाल छिड़ा हुआ है क्योंकि कर्नाटक में चुनाव है और कांग्रेस ने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है। मैनिफेस्टो में बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कर दी गई है, जिसके बाद बजरंग दल और कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने ये कहा है कि उनकी धार्मिक भावनाओं को हाथ पहुंचा है। इसी वजह से लगातार हम देख रहे हैं कि विरोध देश भर में हो रहा है। विरोध की आंधी जो है उत्तराखंड में भी पहुंच चुकी है। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले पूरी रिपोर्ट देखिए। कर्नाटक में कांग्रेस की ओर से जारी घोषणा पत्र के बाद देश भर में सियासी बवाल छिड़ गया है। दरअसल कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, यानी कि बैन करने की घोषणा की थी, जिसके बाद देश भर में बवाल देखने को मिल रहा है। वही राजधानी देहरादून में बजरंग दल ने इसके विरोध में कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। पुलिस के एसले हॉल चौक पर रोकने के बाद बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का पाठ कर गौमूत्र छिड़का। प्रदर्शन के दौरान बजरंग दल और कांग्रेसियों के बीच तीखी नोकझोंक हुई। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी जबरन इस मुद्दे को धार्मिक रंग दे रही है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन लोगों के द्वारा इस प्रोटेस्ट को बाधित करने का प्रयास किया, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय दिया। नहीं तो बजरंग दल अपने आप में रह सकती है, जिससे सब जानते हैं, लेकिन हम लोगों ने अपने धैर्य का परिचय देते हुए हमने प्रशासन की बात मानी। और देखिए, प्रदर्शन का सबसे बड़ा कारण है कि देशभक्ति के नाम पर कार्य करने वाले संगठन को पीएफआई जैसे संगठन के साथ संलिप्त कर उस पर रोक लगाने की मांग करना। वो भी कांग्रेस पार्टी यह चाहती है भारत देश में इस्लामीकरण हो जाए। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से करते हुए सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी, जिसके बाद लगातार सियासी बवाल छिड़ गया है। वहीं उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में आज हनुमान चालीसा का पाठ कर बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की सद्बुद्धि की ईश्वर से कामना की है। अच्छी बात है, कांग्रेस भी जो हमारा सनातनी देश है उस देश की जो भावनाएं हैं उसको अब समझने लगी है। और जो कभी भगवान राम को काल्पनिक कहा करते थे, आज वो भगवान राम के अनन्य भक्त हनुमान जी का वो पाठ कर रहे हैं, हनुमान चालीसा वो पढ़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये मोदी युग है, इस मोदी युग में उनको भी ये सद्बुद्धि मिली है, लेकिन उन्हें ये यज्ञ अपने परिवार जो अंतर्कलह कांग्रेस में चल रही है, जिस तरह से अंतर्द्वंद्व और जिस तरह झगड़े उनके हमेशा हो रहे हैं, महापंचायत तक उनके हुए उसके बाद भी सुलह नहीं हुआ, तो उसके लिए उनको जो है ये सद्बुद्धि यज्ञ करना चाहिए था। आप मानते कि सही तर्क है और आप लोग क्या इस पक्ष में है? हमने ये कहीं नहीं कहा, हमने कहा कि जो सांप्रदायिक संगठन है बजरंग दल और पीपीएफ केरला में जो काम करता है, अगर कांग्रेस सत्ता में आएगी तो ऐसे संगठनों पर हम प्रतिबंध लगाएंगे। ऐसे संगठनों को हम देश का प्रदेश का जो सांप्रदायिक सद्भाव जो माहौल है उसको खराब करने की इजाजत नहीं देंगे। कुल मिलाकर कर्नाटक में कांग्रेस की इस घोषणा के बाद देश भर में सियासी बवाल मच गया है। वहीं कांग्रेस अपनी इस घोषणा पर घिरती हुई नजर आ रही है। सवाल ये है कि क्या जानबूझकर सियासी दलों के द्वारा इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है? क्या वास्तव में कांग्रेस सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी? तो सवाल बहुत सारे हैं। सवाल ये भी है कि कांग्रेस ने जिस तरह से कर्नाटक चुनाव को लेकर अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसको लेकर देश भर में बवाल हो गया है, क्या वाकई अगर कर्नाटक में कांग्रेस सत्तासीन होती है तो बजरंग दल पर बैन लगा देगी या प्रतिबंध लगा देगी? अब ऐसे में बीजेपी भी लगातार
इस पूरे मामले पर कांग्रेस को घेरती हुई नजर आ रही है। दूसरी तरफ अगर बजरंग दल की हम बात करें तो बजरंग दल भी लगातार हो हल्ला कर रहा है। अगर देहरादून की हम बात करें तो देहरादून में बजरंग दल के कई कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया। घेराव करते हुए यहां पर हनुमान चालीसा का पाठ किया है, साथ ही साथ कांग्रेस को तीखी प्रतिक्रिया करते हुए कहा है कि कांग्रेस जो है वो लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश कर रही है, कांग्रेस की मंशा ही यही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना है कि हम इसका जवाब देना जानते हैं। उसी जवाब में कांग्रेस ने भी हनुमान चालीसा का पाठ किया और कहा कि हम इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें ताकि बीजेपी जिस तरह से इन पूरे मुद्दों को धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है उससे कहीं ना कहीं बीजेपी का शुद्धिकरण हो सके। सीधे तौर पर राजनीति है, राजनीति में तमाम मैनिफेस्टो जारी होते हैं चुनाव के दौरान और मैनिफेस्टो में बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो कई बार विवाद का कारण बन जाती है और ऐसे ही एक कारण है बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करना। अगर पीएफआई की हम बात करें तो पूरी तरह से भारत में बैन है, लेकिन इस तरह से तुलना करना बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अखर रहा है कि ये गलत तरीके से तुलना की गई है। तो कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की थी जिसके बाद जोर आजमाइश की जा रही है। लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की विचारधारा ही यही है, कांग्रेस जो है वो हिंदुत्व को खत्म करने की कोशिश करती है और कहीं ना कहीं बजरंग दल के बहाने हिंदुओं पर निशाना कांग्रेस साध रही है। लेकिन कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी इस मुद्दे को जबरन एक धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रही है। हमारा मकसद सिर्फ यही था, हमारा मतलब सिर्फ यही था कि जो ऐसे संगठन है जो कि हिंसा फैलाते हैं उन पर अंकुश लगाना, हमारा किसी भी पर्टिकुलर किसी भी व्यक्ति को टारगेट करना मंशा नहीं थी। लेकिन बजरंग दल आग बबूला हो गया है, देश भर से बवाल की जो तस्वीरें हैं वो लगातार सामने आ रही है। इस बार बहुत सारी प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। आपने सुना अभी किस तरह से मथुरा जी जोशी कहते हुए नजर आए हैं कि हमारी मंशा ये नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भी ऐसे संगठन है जो आपसी माहौल खराब करने की कोशिश करते हैं, आपसी सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं, साथ ही साथ हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं उन पर एक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन मनवीर चौहान जो कि प्रदेश मीडिया प्रभारी है भाजपा के, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कांग्रेस की मंशा यही रही है हमेशा से, वो बजरंग दल के बहाने हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने राम मंदिर पर भी ऐसे बयान दिए थे और अब बजरंग बली पर भी इस तरह के बयान दे रही है, बजरंग दल पर इस तरह के बयान दे रही है। इसको लेकर हमने देखा था कि बीते दिनों काफी ज्यादा बवाल हुआ था, तो जो बजरंग दल के नेता है वो काफी ज्यादा इससे आहत है, उनका गुस्सा जो है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो बजरंग दल के कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए हैं, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करने के लिए पहुंचे। हालांकि पुलिस व्यवस्था जो है वो चाक चौबंद रही और इसी वजह से यहां पर रोक लिया गया। कांग्रेस प्रवक्ता सूरज सिंह नेगी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सूरज जी, कांग्रेस का मैनिफेस्टो कर्नाटक के लिए, लेकिन आग पूरे देश में लग चुकी है। देखिए, जहां तक ये सांप्रदायिक पार्टियां हैं, धर्म का जो है राजनीति के लिए इस्तेमाल करते हैं, वोट के लिए इस्तेमाल करते हैं, कांग्रेस पार्टी ऐसे लोगों का बिल्कुल पुरजोर विरोध करती है। और धर्म हमारी आस्था का प्रश्न है, हमारी पूजा पद्धति है, इससे अराजकता फैलाने वाले जो लोग हैं वो चाहे बजरंग दल हो या कोई भी दूसरे लोग हो, जो धर्म के आधार पर देश को विभाजन करने की बात करते हैं, धर्म के आधार पर बांटने की कोशिश करते हैं, उन खिलाफ जो है कांग्रेस हमेशा रही है। इन जो सांप्रदायिक शक्तियां हैं इनका डटकर के जो है मुकाबला किया जाएगा। धर्म हमारा आस्था का प्रश्न है, धर्म हमारी पूजा पद्धति है, वो उसके लिए है, उसका दुरुपयोग राजनीति के लिए सांप्रदायिक विद्वेष फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन बजरंग दल पूरी तरह से खफा हो चुका है कांग्रेस से। बजरंग दल का ये कहना है कि कांग्रेस की तो मंशा ही रही है, बजरंग दल के बहाने हिंदुत्व को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, देख हिंदुत्व हो या कोई दूसरे वो हो, हमारी जो बजरंग दल है, ठीक है, आप जो है देश में सांप्रदायिक उन्माद न फैलाए, राजनीति जो का ध्रुवीकरण जो है धर्म के आधार पर जाति के आधार पर, कांग्रेस इस बात का जो है कभी समर्थन नहीं करती है। तो धर्म का जो भी दुरुपयोग करेगा राजनीति के लिए, दंगे फैलाने के लिए, सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए,
कांग्रेस उसका जो है पुरजोर विरोध करेगी। लेकिन इस बात को अगर मैनिफेस्टो में कांग्रेस जारी कर रही है कर्नाटक चुनाव को लेकर, तो ये कांग्रेस बहुत भलीभांति जानती है कि इसका असर जो है वो देश में व्यापक रूप से पड़ेगा, उसकी वानगी हम देहरादून में भी देख रहे हैं। तो ये जो चिंगारी कांग्रेस की तरफ से उठी है वो आग की तरह फैलती जा रही है, इसमें बहुत लोग झुलस सकते हैं, क्या कांग्रेस ये नहीं जानती? नहीं देखिए, कोई ये जो धर्म की राजनीति करने वाले लोग हैं, इनकी इनकी बातों को लोग जो समझ चुके हैं, और केवल विकास का इनका एजेंडा नहीं है, केवल धर्म का एजेंडा है, और धर्म के एजेंडे से जो है चलने वाला नहीं है। तो देश का विकास जो है केवल धार्मिक उन्माद फैला करके नहीं हो सकता, तो इसलिए जो है ये लोग हैं, इनको इनका मुकाबला किया जाएगा। ठीक है, अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो यहाँ पर बजरंग दल को बैन करने की बात सूरज जी लगातार कांग्रेस कर रही है, लेकिन बजरंग दल जो है वो इस नाम को बजरंग बली से जोड़ रहा है। सीधे तौर पर आरोप है कि पहले राम का विरोध, अब बजरंग बली का विरोध, कांग्रेस आखिर चाहती क्या है? देखिए हनुमान जी जिनको हम बजरंग बली कहते हैं वो संत है जी, और संत जो है कभी किसी का अहित नहीं करते, बिल्कुल तो सांप्रदायिक विद्वेष नहीं फैलाते, दूसरों के प्रति घृणा फैलाने का काम नहीं करते। संतों का काम होता है जन कल्याण करना, विश्व का कल्याण करना, समाज का कल्याण करना, तो केवल जो है उन्माद फैलाने का काम करते हैं, गुंडे फैलाने का काम करते हैं, वो तो क्या किसी भी दल के हो, वो बजरंग दल के हो या कोई दूसरे भी संप्रदाय से जुड़े हुए हों, सभी का जो है हम लोग समान रूप से विरोध करते हैं। तो सूरज जी, क्या हम मान लें कि कांग्रेस ऐसे तमाम संगठनों, ऐसे तमाम लोगों पर अंकुश लगाएगी जो कि धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, या फिर उत्पात मचाने की कोशिश करते हैं, या फिर माफिया डॉन बन जाते हैं जो गरीबों का हित चाहते हैं? निश्चित तौर पर जो धर्म के नाम पर जो है माफियागिरी कर रहे हैं, जो लोगों को लड़ाने भिड़ाने का काम कर रहे हैं, समाज को जो है प्रताड़ित करने का काम कर रहे हैं, समाज में जो है धर्म के नाम पर गुंडे ही कर रहे हैं, ऐसे किसी भी संप्रदाय के वो लोग हैं, कांग्रेस पार्टी उन सब लोगों का विरोध करती है। लेकिन ये जो आंधी उठी है इसे कांग्रेस कैसे रोक पाएगी सर? देखिए, जनता के बीच में जाएंगे हम लोग कि ये बजरंग बली का विरोध नहीं है, हनुमान जी संत है, हनुमान जी के हम जो है हनुमान चालीसा बनते हैं जन कल्याण के लिए, समाज के कल्याण के लिए। किसको समझा पाएगी कांग्रेस सूरज जी, किस किस को समझा पाएगी कांग्रेस? क्योंकि जब राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर तीखी प्रक्रिया दी थी, उसके बाद हमने देखा था कि राहुल गांधी को जेल हो गई है, साथ ही साथ उनकी जो लोकप्रिय लोकसभा की सदस्यता था वो भी पूरी तरह से रद्द हो चुकी है। जब वहां कांग्रेस समझाने में असमर्थ रही है कि वो किसी व्यक्ति विशेष को या किसी समुदाय को टारगेट नहीं किया गया था, तो यहां तो पूरे हिंदुस्तान की बात हो रही है, बजरंग नाम जुड़ा हुआ है। देखिए, जो समझदार लोग हैं, जो लोग जानते हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीति में या सामाजिक विद्वेष फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए, वो समझेंगे। और कितने लोग हैं ऐसे जो इस प्रकार से धर्म का जो है दुरुपयोग जो लोग करते हैं उनके बारे में लोगों को समझाएंगे। और देखिए, राहुल गांधी की भी जहां तक बात है, और वो जो जिस मामले को आप कह रहे हैं कि उनकी सदस्यता चली गई, एक दिन वो सच्चाई भी देश के सामने आएगी कि जिस पूर्णेश मोदी ने राहुल जी को ये कहा कि इनके बयान से जो है पूरे समाज को का अपमान हुआ है, तो मैं ये पूर्णेश मोदी जी से ये कहूंगा कि जो ललित मोदी और जो नीरव मोदी पैसा लेकर देश का भाग गए, तो क्या वो उस पैसे को जमा करेंगे? क्या लगता है इस मैनिफेस्टो से सूरज जी, कर्नाटक फतह हो जाएगा इस मैनिफेस्टो से, जो मैनिफेस्टो कांग्रेस ने जारी किया है कर्नाटक को लेकर? बात 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 फतह की नहीं है, जो वहाँ पर जो नफरत फैलाने वाले लोग हैं, जो धर्म के नाम पर गुंडाई करने वाले लोग हैं, चाहे बजरंग दल हो चाहे दूसरे लोग हो, उनपे बात हुई है, केवल बजरंग दल पे नहीं हुई है, जो धर्म के आधार उन्माद फैलाने का काम करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करने का काम करते हैं, समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं, उन सभी लोगों पर जो है बात समान रूप से बात हुई है, केवल बजरंग दल की बात नहीं हुई है।
केवल बजरंग दल की बात नहीं है, उन तमाम संगठनों की बात है जो कि धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश करते हैं और आपसी सौहार्द खराब करने की कोशिश करते हैं। ठीक है सुरेश सिंह जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नेगी साहब हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने अपनी कांग्रेस जिस तरह से सोच रही है, कांग्रेस का क्या वक्तव्य है वो उन्होंने रखा है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है, जैसा कि आपने सुना भी, कि हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर जो हिंसा करते हैं, जो धार्मिक उन्माद फैलाते हैं, उनको रोकना है। हमारा किसी व्यक्ति विशेष से कोई मतलब नहीं है। चुनाव दूर की बात है, लेकिन उनका सीधे तौर पर टारगेट कहीं ना कहीं बीजेपी है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ धर्म के एंगल से हर चुनाव को देखती है, लेकिन हम विकास के एंगल से देख रहे हैं। हम चाहते हैं कि देश भर में विकास हो, लेकिन सवाल यही है कि ये जो चिंगारी उठी है, ये आग कहाँ तक फैला रही है। देवभूमि में भी आज जो हिंसक झड़प है, वो बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं और जो कांग्रेस है उनके बीच देखने के लिए मिली है। अभी आंधी कहां जाकर ठहरेगी, ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का साफ तौर पर आरोप है कि बीजेपी जानबूझकर ऐसा करती है, हर एक एंगल को धार्मिक एंगल देने की कोशिश करती है, लेकिन हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि जो गलत तरीके से संगठन है, जो कि हिंसा फैलाते हैं, धार्मिक उन्माद फैलाते हैं और हर मसले पर सड़कों पर निकल पड़ते हैं बिना सोचे समझे, उनको रोकना है। लेकिन तुलना पीएफआई से बजरंग दल की करना, ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनको अखर गया है। बहुत सारे ऐसी प्रतिक्रियाएं हैं जो उस पर निकलकर सामने आ रही है कि बजरंग दल का जो कंपैरिजन है वो तो पीएफआई से हो ही नहीं सकता है। पीएफआई एक ऐसा संगठन है जो नफरत फैलाने की कोशिश करता है, लेकिन बजरंग दल जो है वो नफरत फैलाने की बात नहीं करता है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी एक बहस छिड़ी हुई है, सोशल मीडिया पर भी यही बहस है कि बजरंग दल की तुलना जो पीएफआई से की गई है वो सरासर गलत है। कांग्रेस को अपने मैनिफेस्टो से ये चीजें हटा देनी चाहिए अगर कर्नाटक चुनाव फतह करना है तो। इस तरह के सॉल्यूशन सजेशंस लगातार कांग्रेस को दिए जा रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। देखिए, कर्नाटक की बात हो रही थी, लेकिन पहुंची कहां, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में भी तस्वीरें ऐसी नजर आ रही हैं जहां पर जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं, झंडे लेकर हाथों में, कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये झड़प की जो तस्वीरें, हालांकि बीच बचाव वहां पे पुलिस ने किया है, लाठियों से तितर बितर किया, लेकिन उसके बावजूद भी जो तीखी एक नोकझोंक थी वो दोनों के बीच होती हुई नजर आई। इसके बाद जो वहां के नेता हैं वो भी अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं। कर्नाटक का जो बवाल है वो उत्तराखंड में एक कहीं ना कहीं सवाल बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कांग्रेस मुख्यालय का घेराव, उसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना दोनों ही तरफ से किया जा रहा है, चाहे वो बजरंग दल हो चाहे वो कांग्रेसी कार्यकर्ता हो, दोनों ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, गौमूत्र छिड़क रहे हैं। कांग्रेस ये कह रही है कि गौमूत्र छिड़का जाए ताकि ये जो मानसिकता है बीजेपी की वो मानसिकता सही हो सके, इनका शुद्धिकरण हो सके। तो अब ये जो राजनीति का ऊंट है वो किस करवट बैठेगा, ये तो कर्नाटक चुनाव में पता चल जाएगा कि इस मैनिफेस्टो से कितना लोग इसको सही मानते हैं और कितना लोग गलत मानते हैं। लेकिन सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि अभी जो आग लगी है इसे बुझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अब 2024 में भी लोकसभा चुनाव होने हैं और इस तरह की अगर प्रतिक्रियाएँ आती रहेंगी, इस तरह के मैनिफेस्टो जारी होते रहेंगे तो कहीं ना कहीं देश का जो माहौल है वो बिगड़ सकता है। तो देहरादून में बजरंग दल ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव किया है और यहाँ पर जो प्रदर्शन करते हुए बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं वो नजर आए हैं। बजरंग दल का साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस जो कर रही है वो सरासर गलत है, पीएफआई से जो तुलना की है उससे हम बिल्कुल भी नहीं मानते हैं। हम चाहते हैं कि कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो से ये तमाम जो बातें हैं वापस ले, क्योंकि कांग्रेस की मंशा जो है वो सही नहीं है। कांग्रेस की मंशा दिख रही है वो इस बहाने हिंदुत्व पर प्रहार करने की कोशिश कर रही है। तो पूछता उत्तराखंड में इस मुद्दे पर हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरे मामले पर बीजेपी का एंगल क्या है, कांग्रेस का एंगल क्या है। कांग्रेस का एंगल जानने की हमने कोशिश की है, बीजेपी का भी एंगल जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि एक तरफ रोष है, दूसरी तरफ शांति पाठ भी किया जा रहा है, हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है, क्योंकि जो नाम है बजरंग बली वो बजरंग दल से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से जो आहत है भावनाएं वो बताई जा रही हैं। तो बजरंग दल और कांग्रेस के बीच तीखी नोकझोंक की तस्वीरें लगातार न्यूज वर्ल्ड इंडिया आपको दिखा रहा है। पुलिस मौके पर पहुंची, सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त की गई थी, बारिकेडिंग्स किया गया था ताकि कोई हिंसक झड़प ना हो, क्योंकि माहौल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। हालांकि ऐसी कोई तस्वीरें निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीति पूरी तरह से गर्मा गई है।
बीजेपी पर ये आरोप लग रहा है, कांग्रेस कह रही है कि जबरन इस मुद्दे को धार्मिक करने की कोशिश हो रही है। वहीं आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल की तुलना प्रतिबंधित संगठन पीएफआई से की थी और सत्ता में आने पर बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। अब इस पर सियासी बवाल जो है वो छिड़ा हुआ है और ये खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस ने पूरे प्रदेश भर में हनुमान चालीसा का पाठ कर बीजेपी और उसके सहयोगी संगठनों की सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से कामना भी की है, जिसकी तस्वीरें भी आप लगातार देख रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि कर्नाटक में कांग्रेस की इस घोषणा के बाद देश भर में जो सियासी बवाल मचा हुआ है वो कब थमेगा। वही कांग्रेस अपने इस घोषणा पत्र पर घिरती हुई जो नजर आ रही है। सवाल यह भी है कि जानबूझकर सियासी दलों के द्वारा इस मुद्दे को तूल दिया जा रहा है या वास्तव में कांग्रेस में सत्ता में आने के बाद बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाएगी। संजीव वर्मा बीजेपी प्रवक्ता है, मेरे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी, बजरंग दल की तुलना पीएफआई से कांग्रेस ने की है, मैनिफेस्टो कर्नाटक के लिए जारी किया, लेकिन सियासी बवाल उत्तराखंड तक पहुंच गया है। देखिए, मोदी है तो मुमकिन है। भगवा से नफरत करने वाली कांग्रेस भी आज हनुमान चालीसा की बात करने को मजबूर हो गई है। भले बाहरी मन से कर रही है, दिखावा मात्र कर रही है, लेकिन करने को मजबूर हुई है। एक तरफ आप पीएफआई का समर्थन करते हैं, ये वही पीएफआई जो आईएसआई के साथ जिसका गठबंधन है। समर्थन वाली बात तो संजीव वर्मा जी निकलकर नहीं सामने आई ना जी, समर्थन वाली बात निकलकर सामने नहीं आई है। नहीं नहीं, बिल्कुल समर्थन करती है कांग्रेस पार्टी, बिल्कुल समर्थन करती है पीएफआई का, और पीएफआई से तुलना भी कर रही है। यानी कि आप पूरे सनातन धर्म पर, पूरे हिंदू समाज पर, पूरे भगवाधारियों पर एक तरह से आतंकवादी होने का आक्षेप लगा रहे हैं। ये आपकी सोची समझी रणनीति है और तुष्टिकरण की राजनीति। कांग्रेस का एक कोई नया विचार नहीं, बल्कि जब जब भी चुनाव होते हैं, जब जब भी कोई बात होती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही तुष्टिकरण की राजनीति करती है। वर्तमान में कर्नाटक में चुनाव है तो राम का नाम का राम के नाम पर जो राम के अस्तित्व पर सवाल उठाते रहे, राम सेतु पर सवाल उठाते रहे, अब बजरंग बली की बारी, अब बजरंग बली के नाम पर आप लोग इस तरह की राजनीति करने लगे हैं। बीजेपी हर मुद्दे को धार्मिक एंगल करने की कोशिश करती है। दूसरी बात यह है कि कांग्रेस ने अपने डिफेंसिव मोड में होकर यह कहा है कि हमने बात यहाँ सिर्फ एक संगठन की है जो संगठन दूसरों को परेशानी देता है, हिंसा फैलाता है, किसी पर्टिकुलर किसी संगठन पर उन्होंने आरोप नहीं लगाया है, ये ऐसा मानना है कांग्रेस का। एक मिनट, देखिए आपने जिस तरह से बात करी है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, कांग्रेस का हमेशा एक ही विचार होता है कि हिट एंड रन की पॉलिसी पर ये लोग काम करते हैं। पहले बोलते हैं और उसके बाद मुंह छुपाकर दौड़ने का ये लोग काम करते हैं। जिस तरह से बजरंग दल को इन्होंने निशाना बनाया और साथ ही बजरंग दल की तुलना पीएफआई से करी और साथ ही कहा कि जैसे हम सत्ता में आएंगे तो बजरंग दल पर हम लोग बैन लगा देंगे, और एक तरह से हिंदू धर्म का अपमान करने का काम कांग्रेस पार्टी के द्वारा किया गया। और साथ ही आपने कहा, आपने धर्म की बात करी, तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2022 में उत्तराखंड में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी लगातार विकास के मुद्दे पर चुनाव के मैदान में गई थी और जनता विकास को सराह रही थी और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक पूरा वातावरण बना। उसी समय ऐन मौके पर जब कांग्रेस ने अपने आप को घिरा हुआ महसूस किया कि हमारे पास तो बोलने के लिए कुछ नहीं है, तो ये कहीं से मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा उठा के ले आए और जुम्मे की नमाज का मुद्दा उठा के ले आए। इन्होंने जुम्मे की नमाज की बात करी कि हम सत्ता में आएंगे तो जुम्मे की नमाज की छुट्टी देंगे। इन्होंने बात करी हम सत्ता में आएंगे, लेकिन यहाँ पर बजरंग दल की बात हो रही है, बजरंग दल को बैन करने की बात हो रही है, पीएफआई से तुलना हो रही है। देखिए बिल्कुल होनी चाहिए,
विकास की ही बात होनी चाहिए और पूरा देश विकास की डगर पे चल निकला है। डबल इंजन की जहाँ जहाँ हमारी सरकारें हैं वहाँ पर आप देखिए विकास का जो एक नए सोपान हम लोगों ने खड़े करे हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की जो योजनाएं चल रही हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जबरदस्त एक विकास हुआ है, ठीक है, यानी कहा जा सकता है संजीव जी कि हर कोई हर मुद्दे को धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल आपको बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो बात हो रही थी कर्नाटक चुनाव की, क्योंकि कर्नाटक चुनाव सर पर है और कांग्रेस का मैनिफेस्टो जारी हो चुका है। मैनिफेस्टो में बात हुई बजरंग दल की और कांग्रेस ने कहा है कि अगर सत्ता में कांग्रेस आती है तो बजरंग दल को बैन कर दिया जाएगा, जैसे पीएफआई बैन है। लेकिन अब बजरंग दल को यह बिल्कुल भी रास नहीं आ रहा है कि पीएफआई से बजरंग दल की तुलना हो रही है। लेकिन सवाल यही है कि सियासी बवाल जो मचा हुआ है वो कब खत्म होगा, क्योंकि जहां मुद्दों की बात होनी चाहिए, नौकरी की बात होनी चाहिए, विकास की बात होनी चाहिए, सड़कों की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, वहां बात किस पर हो रही है? धर्म की राजनीति हो रही है। कोई हिंदू धर्म की राजनीति कर रहा है, कोई मुस्लिम धर्म की राजनीति कर रहा है और दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। लेकिन जनता समझदार है, जनता जानती है कि उसे किसे चुनना है, उसके लिए क्या सही है। फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।